भगवान श्री कृष्ण ने जो पांच गांव मांगे थे वो उनका बातचीत क्या योगी आदित्यनाथ से हुए थे क्या? और सिर्फ ये एक मुद्दा बनाना चाहते हैं और इस मुद्दा को लेके वो सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये तो धर्म के जो बात बोलते हैं वो उनका उनका एक चाल है। मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ से ये भी पूछना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने कितने करोड़ रुपए को घोटाला करने के लिए तुमको इजाजत दिया था। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने जो पांच गांव मांगे थे वो उनका बातचीत क्या योगी आदित्यनाथ से हुए थे क्या? योगी आदित्यनाथ से उनका शायद बातचीत अगर हुई थी और तब जब भगवान श्री कृष्ण ने पांच गांव मांगा था तो योगी आदित्यनाथ मौजूद थे वहां, वह उनसे मांगे थे और उनको डिसाइड करने के लिए बोला था कि आप ही डिसाइड कीजिए मुझे जो पांच गांव चाहिए तो इसमें तीन गांव आप दे दीजिए और आप ही सिलेक्ट कीजिए, आप अपने हिसाब से चयन कीजिए, ऐसा बोला था। ये नहीं है, बिल्कुल उनका एक डार्टी पॉलिटिक्स है और सिर्फ ये एक मुद्दा बनाना चाहते हैं और इस मुद्दा को लेके वो सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए कोशिश कर रहे हैं और भड़का के सिर्फ उनको वोट हासिल करना है और वोट हासिल करके सत्ता में आके यूपी में जितने वहां करप्शन हुआ है वो करप्शन का मास्टर बन गया योगी आदित्यनाथ। ये तो धर्म के जो बात बोलते हैं वो उनका उनका एक चाल है, सिर्फ एक चाल है और इस चाल के जरिए वो वोट मांगते हैं और वहां करोड़ों रुपये का घोटाला वो कर बैठे हैं। तो एक घोटाला बनने के लिए श्री कृष्ण ने उनको बोला था कि तुम इस तरह एक बार सीएम बन जाओ और हजार हजार करोड़ रुपया के घोटाला करो, घोटाला करके अपने कमाओ और अपने लोगों को तुम कमाओ, ये तो नहीं बोला था। मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ से ये भी पूछना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने कितने करोड़ रुपये को घोटाला करने के लिए तुमको इजाजत दिया था, ये भी उनको पूछना चाहिए।